परीक्षा के नाम पर फिरोजाबाद में तानाशाही हो रही है। बहुत स्वाभाविक है, पूरा भारत जब पाकिस्तानियों ने ऐसा किया था तो जमकर आलोचना की थी। दूसरे सेंटर पर चल रहे हैं जी, आपका नाम क्या है? जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये कैसी परीक्षा है कि महिलाओं को मंगलसूत्र ही नहीं पहनने दिया गया, बोला गया कि उसे उतारिए तब पेपर दीजिए। जी राहुल, बिल्कुल सही कहा जाए, तालवानी आदेश से कम नहीं है फिरोजाबाद पुलिस में, क्योंकि साफ परीक्षा केंद्र है जहाँ परीक्षाएं हो रही है। 4100 परीक्षार्थी यहाँ परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन एक प्रमुख सेंटर है एमजी कॉलेज, इसी में इस तरह का आदेश देखा जा रहा है। हालांकि दो सेंटरों में इस तरह के कोई आदेश नहीं है, लेकिन साफ तौर पर नियमों में कहीं ना कहीं मतभेद, पुलिस के कहीं ना कहीं मतभेद साफ तौर पर बयान करते हैं। या तो नियमों का सही तरह पाठ नहीं पढ़ाया गया अधीनस्थों को, या फिर यह स्वयंभू बन के इस तरह के आदेश जारी कर रहे हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहुल, जिस तरह सुहाग का प्रतीक मंगलसूत्र होता है, मंगलसूत्र स्त्री एक बार ही धारण करती है, फिर उसको उतारा नहीं जाता, लेकिन बराबर परीक्षा केंद्र में जाना होगा, मंगलसूत्र उतारने पड़ेंगे, कान के कुंडल उतारने पड़ेंगे, पैर की पायल भी उतारनी पड़ेगी। इस तरह के दृश्य भारत समाचार ने कैमरे में कैद किए हैं और इस पर कहीं ना कहीं पुलिस को अपने इस रवैये से पीछे होना होगा। और जो परीक्षा संपन्न कराने की बात चल रही है उसमें परीक्षार्थियों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जितेंद्र, राहुल, साफ तौर पर इस तरह की घटना होगी तो आक्रोश तो जायज बात है, उनके परिवारजन होते हैं, किसी के पर महिला के पति होते हैं, उसके सामने इस तरह की ऊंची हरकत करना पुलिस का कहीं ना कहीं असंवैधानिक तरीका है और इसमें पुलिस को साफ तौर पर माफी मांगनी होगी उन लोगों से जिस तरह घिनौना कृत्य किया है। राहुल, ध्यान ये दीजिएगा, कुछ दिनों पहले ही कुलभूषण की जाधव की मां और उनकी पत्नी से भी मंगलसूत्र उतरवाए गए थे, उसका पूरे भारत ने विरोध किया था। आज पेपर हो रहा है यहाँ पर, इस पर एसएसपी का कोई बयान आया, इस पर उन्हें इस बारे में जानकारी है क्या? राहुल, एक साफ तौर पर इन्होंने बायोलॉज दिखाया है, भारत समाचार से बातचीत हुई, एसपी ग्रामीण है, लेकिन बायोलॉज में स्पष्ट यह नहीं है। साफ तौर पर बायोलॉज में लिखा हुआ गहने आभूषण, लेकिन मंगलसूत्र गहने आभूषण की परिभाषा में नहीं आता, क्योंकि मंगलसूत्र सुहाग का प्रतीक होता है और उसको गहने बताकर उतारना कहीं ना कहीं गलत बात है। और अगर नियम की बात करें, पूरे प्रदेश भर में इसी तरह के नियम होने चाहिए। फिरोजाबाद के किसी विशेष सेंटर पे नियम अलग, दूसरे सेंटर पे अलग, दूसरे जिले में अलग, ये कहीं ना कहीं गलत बात है। और प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं, यहाँ तक कि मैं डीजीपी जो कि पुलिस विभाग के मुखिया है, उनको संज्ञान लेते हुए ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निलंबित करना चाहिए इन पुलिसकर्मियों को जिस तरह लोगों के सुहाग से खेल रहे हैं। जितेंद्र, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ ये पूरी तरह से मजाक है अगर महिलाओं का मंगलसूत्र उतरवाया गया है और उस पर लॉ की बात कर रहे हैं। अगर इन्हें इतनी आपत्ति थी तो ये साफ तौर पर किसी महिला पुलिसकर्मी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा उसे चेक कर सकते थे। बिल्कुल राहुल, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चेक करने के उपकरण है, उन सबका इस्तेमाल इसीलिए करना चाहिए, लेकिन साफ तौर पर कई मुन्ना भाई परीक्षा दे रहे हैं, कई मुन्ना भाई पकड़े जा रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं पुलिस अगर हिंड और सक्रिय हो तो इस तरह की घिनौनी घटना नहीं हो, इस तरह के घिनौने कृत नहीं हो। मंगलसूत्र जो कि सुहाग का प्रतीक है, साफ तौर पर उसको उतरवाना एक हिंदू महिला की जो मर्यादा के विरुद्ध है और इस पर कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के बड़े मुखिया को संज्ञान लेना होगा और इनके खिलाफ जघन्य कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। राहुल, इन महिलाओं का क्या कहना है जो तस्वीरों में कैद हुई है भारत समाचार के कैमरे में, जो मंगलसूत्र उतार रही हैं भारी मन से? राहुल, मैं आपको बता दूं कि महिला इस पूरे कृत्य की आलोचना कर रही है, उनका कहना है लेकिन मजबूरी है, क्योंकि नहीं उतारेंगी तो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ऐसा तालवानी आदेश है और उस आदेश की कंप्लाइन करना मजबूरी है, लेकिन परीक्षा के बाद कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया व्यक्त होगी। राज्य महिला आयोग की सदस्य है, उनसे मेरी बातचीत हो रही, भारत समाचार से बातचीत होगी, उस पर उनका भी साफ तौर पर बयान है जो कि फोन से उन्होंने बयान दिया है, उनका कहना है ये कहीं ना कहीं गलत है और उस पर सरकार संज्ञान लेगी, वह इस तरह के कृत्य को महिला आयोग के समक्ष भी रखेगी। जितेंद्र, 10 बजे से तो पेपर है, इन लोगों का दिमाग तो डिस्टर्ब हो गया होगा, बहुत स्वाभाविक बात है, जिस तरह से इनके मंगलसूत्र उतरवाए गए, भारी मन से पेपर देने पहुंच रही है, ये तो कहीं ना कहीं, या तो पहले आप इस तरह से कुछ जारी कर देते, कुछ बता देते, ये तो परेशान करना हो गया। बिल्कुल राहुल, कहीं ना कहीं मेरे अनुसार से ये लगता है कहीं ना कहीं अनुभवहीनता की पराकाष्ठा है, इनको साफ तौर पर जो निर्देश है, जो ट्रेनिंग है वो नहीं दी गई, क्योंकि एक जिले में तरह तरह के तालवान आदेश साफ तौर पर यह बयान करता है, जो अधिकारी इस ड्यूटी पे लगाए गए हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई और उसी का
यह एक मैसेज है कि महिलाओं के साथ इस तरह की घिनौनी वारदात हुई है और आमतौर पर जो कि परीक्षा देने जा रही है उनके इस तरह की कृत्य किया जाएगा, उनका गोल्ड। चलिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आप नजर रखिए, याद कीजिएगा जब कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी पाकिस्तान गई थी तो उनका भी मंगलसूत्र उतारा गया था। सुषमा स्वराज समेत, विदेश मंत्री समेत पूरे भारत ने इसका विरोध किया था। तो आज ये जो कुछ फिरोजाबाद में हुआ, विरोध करने योग्य ये भी है। इस खबर के साथ ही सिटी लाइव के इस बुलेटिन में